Welcome dear students in RCA Education Hub online classes. Today we study phenol chemical properties, next benzene part reactions, that is next is a Reimer-Timman reaction, that is Reimer-Timman reaction. कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं? फिनोल की जो रिएक्शन से स्टडी कर रहे हैं उसी में बेंजीन जो रिंग है उसके द्वारा किसका फॉर्मेशन होगा? Reimer-Timman रिएक्शन के थ्रू बेंज एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा. किसका फॉर्मेशन होगा? बेंज एल्डिहाइड का फॉर्मेशन किस टाइप से होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, इन दिस रिएक्शन वी सी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. फिनोल रिएक्ट विद ए क्लोरोफॉर्म इन बेसिक मीडियम एंड फॉर्मेशन ऑफ benz aldehyde, that is very important product. But this product formation take place mostly via formation of intermediate, that is carbene CCl2. Carbene is attack on maybe ortho position according to phenol, maybe para position according to phenol. So two possibility of product formation. And if we take in this reaction compared to CHCl3, CCl4 carbon tetrachloride, CCl4 use, then there will be formation of carboxylic acid and that is called benzylic acid. कौन सा कहलाएगा? Salicylic acid, and there will be called salicylic acid. यहाँ पर क्या होगा? Benz aldehyde का formation था अगर chloroform आप use कर रहे हैं. अगर आप CCl4 use कर रहे हैं तो किसका formation होगा? यहाँ पर salicylic acid का formation होगा. Both type reactions we see. Let's continue. Reimer-Timman reaction. First of all, Reimer-Timman reaction कैसे होती है? उसके product कैसे formation होता है? Reaction को आप देखिए. इसकी reaction पढ़ रहे हैं students. Phenol की reactions पढ़ रहे हैं. Phenols की reactions में benzene ring है, उसकी reactions पढ़ रहे हैं. और इस वाले reactions में किसका formation हो रहा है? Benz aldehyde का formation हो रहा है. किसका formation हो रहा है students? OH यहाँ पर है. इस वाले पोर्शन पे कौन जुड़ा हुआ है स्टूडेंट्स? CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है. कौन जुड़ा हुआ है? CHO ग्रुप जुड़ा हुआ है. ये तो आपके पास में क्या है? फिनोल. क्या है? फिनोल. और दैट इज कॉल्ड सैलिसिलिक एल्डिहाइड. क्या बनेगा? सैलिसिलिक एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है. ये सैलिसिलिक एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? कौन से रेजेंट इसमें यूज किए जाते हैं? इसमें काम आता है, यूज करते हैं जो रेजेंट है वो है क्लोरोफॉर्म. दूसरा इसके अंदर यूज होता है क्या? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. किसको यूज करते हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को यूज किया जाता है. देखिए आप केमिकल रिएक्शन होती क्या है, इसका प्रोसेस क्या होता है. देखिए प्रोसेस केमिकल रिएक्शन है वो प्रोसेस कैसे हो रही है. फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस रिएक्शन CHCl3 क्लोरोफॉर्म इज रिड्यूस. क्या होता है? क्लोरोफॉर्म जो होता है इसका डीकम्पोजिशन होता है. CHCl3 डीकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. इसकी प्रेजेंस में इसमें लगभग 3 मोल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं. और ये क्या करता है? इसकी रिएक्टिविटी को किस टाइप से रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें फॉर्मेशन होता है स्टूडेंट कार्बन टेट्रा ट्राइक्लोराइड का फॉर्मेशन होता है. दैट इज अनस्टेबल होता है. कैसा होता है? ये अनस्टेबल होता है. अगेन ये डिकम्पोज होता है. Cl- यहाँ से वापस निकल जाता है और यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है? CCl2. दैट इज कॉल्ड डाइक्लोरोकार्बीन. क्या कहलाती है? डाइक्लोरोकार्बीन. ये इंटरमीडिएट इसके अंदर बन जाता है. डाइक्लोरोकार्बीन का फॉर्मेशन यहाँ पर हो चुका है. यहाँ से एच रिमूव हो जाता है, इस वाले से H2 से यहाँ से -H2 निकल जाता है. ओके, ये वाला CCl3 यहाँ पर रिमेनिंग पार्ट होता है और CCl3 वापस डिकम्पोज होता है. जो थोड़ा सा गर्म करते हैं, गर्म करने के साथ Cl बाहर निकल जाता है क्लोरीन एटम एक्वस मीडियम के अंदर और ये वाला फॉर्मेशन कर लेगा CCl2 डाइक्लोरोकार्बीन का फॉर्मेशन कर लेगा. अब देखिए नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट्स. अगले वाले स्टेप के अंदर क्या हुआ? इस स्टेप में पढ़ने देखा ये वाला स्टेप कंप्लीट जैसे हुआ, नेक्स्ट वाले स्टेप के अंदर ये केमिकल रिएक्शन कैसे होगी? अब ये रिएक्ट करेगा विद फिनोल. किससे रिएक्शन करेगा? ये फिनोल के साथ रिएक्टिविटी शो करेगा CCl2 डाइक्लोरोकार्बीन और डाइक्लोरोकार्बीन पे किसका अटैक हो जाएगा?
फिनोल एरोमेटिक कंपाउंड्स का अटैक होगा, और जैसे ही अटैक होगा तो ये वाला कंपाउंड जो है इस वाले कंपाउंड के साथ में इस टाइप से ऐसे अटैच हो जाएगा HCCl2, ये वाला यहाँ पर होगा, और एक्वस मीडियम इसकी रिएक्शन अगर कराएंगे, जब इसे H2 से रिएक्शन कराते हैं, H2O मीडियम में रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पर अपने पास में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये वाला प्रोडक्ट है ये कन्वर्ट हो जाएगा OH से CHO ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ओके, ये अपने पास में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन यहाँ से हो जाता है। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है मोस्टली CCl2 की प्रेजेंस में रिएक्शन कराने के थ्रू एक्वस मीडियम के थ्रू इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो CHO का फॉर्मेशन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड सैलिसिलिक एल्डिहाइड, और दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रायमर-टिम्मान रिएक्शन। इसका नेक्स्ट भी है, अभी आपने यूज क्या किया यहाँ पर इस वाले पार्ट में अगर देखें, नेक्स्ट इस वाले की रिएक्शन नंबर 2 जस्ट यही है रायमर-टिम्मान में, थोड़ा चेंज है, चेंज विल बी इन दिस इफ वी यूज CCl4, क्या यूज कर ले CCl4 को अगर यूज करते हैं तो दैट इज कॉल्स कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या है, दैट इज कॉल्स CCl4, और CCl4 को अगर आप यूज करते हैं तो यह प्रोडक्ट जो होता है स्टूडेंट्स प्रोडक्ट के अंदर थोड़ा वेरिएशन आता है, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, कौन आ गया एल्डिहाइड की जगह कौन आ गया कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, और ये कहलाता है सैलिसिलिक एसिड, क्या कहलाएगा सैलिसिलिक एसिड कहलाता है, तो सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, तब क्या यूज करते हैं CCl4 को, CHCl3 यूज करोगे तो एल्डिहाइड बनेगा, और अगर CCl4 यूज कर रहे हैं आप तो क्या बनेगा यहाँ पर कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव बनेगा, बस इतना सा डिफरेंस है, देयर विल बी नो डिफरेंस इन केमिकल रिएक्शन, यू कैन सी हियर विल बी यूज देयर विल बी यूज CCl4 विच इज डीकम्पोज फॉर्मेशन ऑफ CCl3 माइनस Cl इज रिमूव एंड अगेन रिमूव CCl2 का फॉर्मेशन होगा, ये वापस आएगा इस वाले पार्ट के अंदर, इस पर अटैक करेगा, और ये केमिकल रिएक्शन बनाते हुए लास्ट में आपके एसटीपी के थ्रू और यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा स्टूडेंट, ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर C(OH), दैट इज कॉल्ड सैलिसिलिक एसिड, तो कंप्लीटली दिस रिएक्शन इज कॉल्ड रायमर-टिम्मान रिएक्शन। ओके, तो इन दिस वी सी टू टाइप रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रिएजेंट्स, इफ यू यूज CHCl3 फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड, इफ यू यूज CCl4 फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक डेरिवेटिव। Okay, thanks. Next class, we see next video.